नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हम जो टेलीफोन जो फोन चलाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, उसमें हम बार बार एक शब्द को सुनते कहते आए हैं, नेट। नेट का अर्थ होता है, उन्होंने एकदम सही शब्द दिया है, नेट का अर्थ होता है जाल। आपके फोन पर एक किरण आती है, दूसरे के फोन पर भी जाती है, एक किरण से दूसरी किरण टकरा 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 करके ऐसे एक जाल टाइप बना देती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम सही दिया है नेट। जिस तरह से ये एक जाल है, उस तरह से आध्यात्मिक किरणों का भी एक जाल है। आपके आसपास आध्यात्मिक किरणों का भी एक जाल रहता है, और उस जाल में क्या होता है, कभी कभी आपकी ऊर्जा से टकरा करके ऐसी आध्यात्मिक किरणें आती है जो ऊर्जा को बिल्कुल सूट नहीं करती। तब क्या होता है, खाते पीते एकदम कोई टेंशन नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई धन चोरी नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई गर्लफ्रेंड भाग नहीं गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मन इतना उदास हो जाता है कि कुछ करने को मन नहीं करता, किसी से बात करने को मन नहीं करता, कहीं जाने को मन नहीं करता। ऐसी हालत हो जाती है कि ऐसा लगता है कि यार हम ये क्यों बैठे हैं, क्या मतलब क्या संसार में बैठे रहने का। एकदम मन उच्चाट हो जाता है, मन का उच्चाटन हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। न खाने को बनता है, न पीने को बनता है, भोजन पड़े हैं लेकिन खाने को मन नहीं है, संगीत के वाद्य यंत्र पड़े सुनने को मन नहीं है, सब सुविधा आपके पास है भोगने की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा मर जाती है, आपकी इच्छा कहीं शून्य में खो जाती है। ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तब जब आप आध्यात्मिक किरणों के किसी एक ऐसी किरण के चक्कर में आ जाते हैं जो आपकी ऊर्जा से बिल्कुल विपरीत है। तो दो ऊर्जाएं जब टकराती है तो आदमी का शरीर ना वो निढाल जैसा हो जाता है। बीमारी क्यों होती है आपको पता है, दो ऊर्जाएं शरीर में टकराती है इसलिए बीमारी पैदा होती है। एक ऊर्जा रहे, एक ऊर्जा बढ़ती रहे, कोई बीमारी नहीं होगी। नेगेटिव बढ़े तो भी नहीं होगी, पॉजिटिव बढ़े तो भी नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में कभी कभी टकराव हो जाता है तो बीमारी पैदा हो जाती है। उसी तरह से आपके मनोमस्तिष्क को अपने कब्जे में करने वाली ये दो ऊर्जाएं, एक आपकी एक पराई, दोनों ऊर्जाएं टकराती है तो आपका सारा मनोमस्तिष्क एकदम ठप हो जाता है। अब ऐसे में क्या करें, बात तो मैंने बता दी, ऐसे में क्या करें। एक आसान सुविधा है, बिल्कुल छोटा सा उपाय, यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आप चमत्कृत हो जाओगे, आश्चर्य करोगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता। एकदम उच्चाट मन, कुछ करने को मन नहीं करे, तब आपको क्या करना है, कांसी की एक कटोरी लेनी है। देखिए ये जो उपाय मैं बता रहा हूं ना, ये नॉर्मल उपाय नहीं है, ये नहीं फेंकू उपाय, कहीं से भी उठाया, कहीं से भी पटक दिया, इसका कॉपी उसका पेस्ट नहीं, ऐसा नहीं। ये उपाय है जो आपकी जड़ों से संबंधित है, जिन तत्वों से आपका शरीर बना है, जिन तत्वों से आपकी आध्यात्मिक किरणें बनी है, वही तत्व इस प्रकृति में है जो भौतिक रूप में आपके सामने उपस्थित है, आप उन्हें पहचानते नहीं हो। वो तत्व जब आपसे मिल जाते हैं तो आपकी एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। आप समझ गए मेरी बात, समझ गए होंगे। कांसे की कटोरी में आपको चार पांच लेनी है कपूर की टिकिया, भीमसेनी कपूर होता है वो ले लो, या फिर कपूर की जो टिकिया आती है वो ले लो, भीमसेनी कपूर सबसे बढ़िया, उसमें टिकिया की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा डाला ले लो बहुत है। वो लेकर के आप उसको जला लीजिए, जला करके अपने ऊपर से 7 बार उसरवा लीजिए, किसी से कहिए कि मेरे ऊपर से 7 बार इसे घुमा दे रहा हूं, है ना, क्लॉक वाइज 7 बार अपने आप अपने ऊपर से घुमा लीजिए, और उस आग को ले जा करके आप घर के बाहर रख दीजिए। आपको रख के आना है, आप घर के बाहर रख के आ जाइए, हाथ पैर धो के घर में घुसिए, आप आश्चर्य करेंगे, विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपका जो शरीर का फंक्शन है वो सारा का सारा बदल गया। एकदम आप हर्षित हो गए, खुश हो गए, आपकी ऊर्जा एकदम नाचने को करने लगी, आपका मन नाचने को करने लगा, आपका मन हर काम में लगने को करने लगा, इतनी ज्यादा एक्साइटिंग आप में आ जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और यदि पहली बार आप इस चैनल पर पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। जय श्री कृष्ण।